वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम दीपक मॉक टेस्ट पेपर को पढ़ने वाले हैं, जो दीपक में आपको लास्ट में तीन पिंक वाले मॉक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं, उनमें से आज सबसे फर्स्ट के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। तो फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स। आपको एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है log 1 प्लस एक्स, एंड जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है e की पावर x। तो हमें निकालना है इसमें गॉफ ऑफ x। तो देखिए किस तरीके से हम गॉफ ऑफ x निकालेंगे। इस गॉफ ऑफ x को हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास log 1 प्लस एक्स, तो यहां पर हम एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे log 1 प्लस एक्स। अब जी एक्स तो दे रखा है e की पावर x, मुझे निकालना है g ऑफ log 1 प्लस एक्स। मीन्स जी एक्स में जहां पर भी x है वहां पर ये वाली टर्म आप पुट कर देंगे, तो यहां जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स। log से e एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, वो आ गई है 1 प्लस एक्स। देन आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, वहां पर एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 4, 2, 3 एंड 1, 5, 7, एंड बी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1, 3, 7 एंड 0, 4, 1। इस तरीके से हमें इसमें वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी की, तो 2a प्लस बी निकालना है हमें यहां पर। तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 8, यहां पे आ जाएगा 4 6 2 10 14 प्लस b क्या दे रखा है हमें, b की वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे 1 3 7 एंड 0 4, और यहां पर दे रखा है आपको 1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 1 हो गया आपका 9, 4 प्लस 3 हो गया 7, 6 7 हो गया 13, 2 14 15, ये आपके पास आई है 2a प्लस बी की वैल्यू। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पर आपको दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं इस तरीके से 2 3 4 5 इज इक्वल टू एक्स 3 2x 5। अब यहां पर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 into 2 10 माइनस 3 into 4 12 हो गया, 5 into x 5x माइनस 6x, यहां पे आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई है। इस क्वेश्चन के लिए एक्स की वैल्यू रहेगी 2। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। जो ये फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो ये फंक्शन दे रखा है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे LHL, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस। तो LHL के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका यहां पर, देखिए जहां पर x 2 से लेस है आपका, तो यहां पर फंक्शन 2 से लेस है, तो ये LHL के लिए फंक्शन हो जाएगा आपका k x स्क्वायर। यहां पर हम पुट कर देंगे x को 2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में 2 प्लस 2 माइनस h का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के इंटू में 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 एच। एच की वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें,
4k, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी h की वैल्यू रखते ही, 4 की इससे मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिल जाएगा, 4k मिल जाएगा आपका यहां पर। अब इसके बाद हम निकालेंगे RHL, तो RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए आपका जो फंक्शन है RHL के लिए फंक्शन ये रहेगा, क्योंकि x 2 से बड़ा यहां पर है आपका 3, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें x की वैल्यू तो हम रख ही नहीं पाएंगे, तो डायरेक्टली RHL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। देन इसके बाद हम निकालते हैं f of 2 क्या आ जाएगा यहां पर, x 2 के बराबर है यहां पर आपका, तो यहां पे आ जाएगा k into 2 का स्क्वायर मींस 4k। अब आप यहां पर लिख देंगे सिंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफोर LHL बराबर होगा आपका RHL के, वो बराबर होगा आपका f of 2 के। तो LHL की वैल्यू क्या आई है आपके पास 4k, RHL है 3, ये है 4k, दो को कंपेयर कर लेते हैं, तो 4k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/4, तो k की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3/4 आई है। सबसे पहले LHL निकाल लेना है, फिर RHL निकाल लेना है, f of 2 निकाल लेना है, क्योंकि फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है तो तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यहां से कंपेयर करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन 2x अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू इज, आपको फंक्शन दे रखा है साइन 2x, x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू लेगा या फिर मैक्सिमम रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स आपको दे रखा है साइन 2x, तो शुरू करते हैं, डब एफ डैश एक्स निकालते हैं, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x, 2x का हो गया 2, फोर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दें, तो 2 cos 2x को हमने रख दिया 0 के बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो cos 2x इज इक्वल टू 0, और cos 0 किस पर होता है हमारा, cos 0 होता है पाई बाई 2 पर, तो इस 0 को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो x की क्रिटिकल वैल्यू क्या आई है आपकी पाई बाई 4। अब मैं निकालता हूं इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x, भाई cos 2x का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, और वो 2 इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4 आपका। उसके बाद हम निकाल लेंगे f डबल डैश ऑफ पाई बाई 4, माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू 2, ये बन जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है आपका 1, तो यहां पर ये आ जाएगी वैल्यू माइनस 4 विच इज लेस देन 0। अब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है आपका, दैट मीन्स आप यहां पर कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या है, मैक्सिमम है, तो आपका जो फंक्शन है वो किस पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा आपका, वो करेगा x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमें इस इंटीग्रांट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर का सीधा तो हमारे पास कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम इसको मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर, और यहां पर जो एंगल है उसका आधा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर रखें, 2 को इधर ले जाएं, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos x by 2, तो इसी टर्म को हम यूज कर लेंगे यहां पर, साइन स्क्वायर x by 2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो 1 माइनस cos x by 2 dx, 1 by 2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos x dx, 1 का इंटीग्रेशन x आपका, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x प्लस सी,
तो आई की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है, 1/2 x माइनस साइन एक्स प्लस सी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी आपको दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं, सच दैट पी ए इज इक्वल टू 3/5। यहां पर पी ए आपको 3/5 दे रखा है एंड पी बी आपको दे रखा है 1/5, और आपको निकालनी है वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो जब भी ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है आपका पी ए इंटू पी बी के। तो पी ए की वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगी 3/5, पी बी की वैल्यू रखेंगे 1/5, तो ये आ गई आपकी 3/25। तो ये है आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2 एंड पी बी इज 0, पी ए इज इक्वल टू 1/2 एंड पी बी इज इक्वल टू 0, देन वो हमसे कह रहा है कि पी ए बाई बी की वैल्यू बताइए। तो ध्यान से देखिए, बाई द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी पी ए बाई बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब देखिए, हमें उसने पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दी, बट हम मान रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो वहां पर रहेगी, तो उसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा वो आपका, बट पी बी की वैल्यू क्या है, 0, समथिंग अपॉन 0, मतलब किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी भी आप उसे बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, दैट मींस नॉट डिफाइंड रहेगा आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 times इफ गेटिंग अ टेल इज अ सक्सेस, एक कॉइन को 4 उछाला जाता है आपका, इफ गेटिंग अ टेल इज अ सक्सेस, कि टेल का आना हमें क्या माना जाता है आपका, सक्सेस माना है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 success। तो ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है आपका। यहां पर देखिए, लेट पी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और सक्सेस क्या है हमारी, उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं, इट मींस गेटिंग अ टेल, एंड लेट क्यू डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब देखिए, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, और क्यू क्या हो जाएगा, वो 1 - p मींस 1/2 हो जाएगा आपका। अब आपके पास n ट्रायल्स हो रहे हों और उनमें r सक्सेस का फॉर्मूला होता है आपका ncr p की पावर r q की पावर n माइनस r बाई बर्नौली ट्रायल। अब आपके पास ट्रायल्स तो हो रहे हैं 4, उनमें से 3 success हो तो r की वैल्यू 3 है, 4c3 1/2 की पावर 3 × 1/2 की पावर 1, 4c3 हो जाएगा आपका यहां पर 4, ये हो जाएगा 1/8, ये 1/2, 2 times कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आई है आपकी 1/4। तो आपको 3 success मिले, मींस पी एक्स इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या है आपकी, 1/4 है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, 2 vectors दे रखे हैं आपको, आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखिए, ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 2i cap प्लस 3j cap प्लस 2k cap, ये दे रखा है, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है i cap प्लस 2j cap प्लस k cap। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है आपका, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस आता है आपका नीचे। तो बी वेक्टर पर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस आएगा आपका नीचे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, क्या आएगा आपकी वैल्यू यहां पर, 2 × 1 2 हो गया प्लस 3 × 2 6 हो गया प्लस 2 × 1 = 2 एंड नीचे आ जाएगा आपका बी का मॉड्यूलस। तो बी का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1
2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 8 बाई रूट 6, नीचे रूट नहीं रहता, इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 रूट 6 और नीचे 6 आपका, 2 से 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आई है 5 रूट 6 बाई 3। तो ए वेक्टर का पी वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या आया है आपका 5 रूट 6 बाई 3। बट यदि वो कह दे आपसे कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर पॉइंट प्रोजेक्शन निकालिए, तो इसको आप यहां पर नोट डाल लेना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज गिवन बाई, वो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हम किस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ए वेक्टर पर, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस कहां आएगा आपका नीचे आएगा, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला आपको रख लेना है। बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला, और ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 एंड द पॉइंट 0, 0, -7। तो एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो यहां पर एक प्लेन दे रखा है इस तरीके से, एंड यहां पर एक पॉइंट है आपका, हम उसको मान लेते हैं x1, y1, z1, और इस प्लेन की जनरल इक्वेशन ax1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट की इस प्लेन पर डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, इसका ले लेते हैं हम मॉड आपका, देन उसके बाद एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या होती है आपकी डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की इस प्लेन से, फॉर्मूला लर्न रखना है। अब पॉइंट आपको क्या दे रखा है 0, 0, -7 एंड प्लेन आपको क्या दे रखा है 3x प्लस 4y एंड -20 इज इक्वल टू 0, जेड का कोऑर्डिनेट इसमें नहीं दे रखा है, इस पॉइंट को यहां इसमें डाल दो, 3 × 0, 0, 4 × 0, 0, -20 इसका लेंगे हम मॉड्यूलस अपॉन में, x का कोफिशियंट का स्क्वायर 9, y के कोफिशियंट का स्क्वायर 16, z का है ही नहीं तो उसको लेंगे नहीं हम यहां पर। अब इसका मॉड्यूलस है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा आपका 20, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, 20 और इसका अंडर रूट हो गया 5 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया 4 यूनिट्स। तो आपकी इस पॉइंट से और इस प्लेन तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई है आपकी 4 यूनिट्स आई है। आपको केवल ये फॉर्मूला लर्न रखना है, पॉइंट प्लेन चेंज हो जाएंगे बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका। अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज रहेगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के लिए भी क्या है डिस्टेंस निकाल पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन, अगर इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे, तो जरा देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहां से मैं कॉस इनवर्स x निकालूं तो साइन इनवर्स x इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x, यहां से हम इस वैल्यू को यूज कर लेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स की उस वैल्यू को यहां रखिए, यहां आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहां पर ये माइनस का पाई बाई टू प्लस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, इसको इधर ले जाइए और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हो गया टू साइन इनवर्स एक्स पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू, एलसीएम सिक्स आ गया, यहां पर पाई प्लस थ्री पाई मीन्स फोर पाई बाई सिक्स, टू से टू टाइम्स टू से थ्री टाइम्स, ये हो गया टू पाई बाई थ्री, यहां पर है टू साइन इनवर्स एक्स, यहां पर है टू पाई बाई थ्री, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो वो साइन बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री। अब साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास रूट थ्री बाई टू,
तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां पर, रूट थ्री बाई टू आ गई है इस क्वेश्चन में। यहां पर हमने cos इनवर्स x को पुट किया, सिंप्लीफाई करते ही हमें x की वैल्यू यहां पर अंडर रूट थ्री बाई टू मिल गई है आपकी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, फाइंड डेल्टा वाई फॉर द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1। डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है आपको कब, जब ये टर्म्स आपको यहां पर दे रखी हो। तो यहां पर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है, x 10 दे रखा है एंड डेल x आपको 0.1 दे रखा है। तो डेल्टा y किसके बराबर होता है, वो होता है dy वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब मैं यहां पर इसके लिए dy वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, वो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, dy वाई बाई डी एक्स आया है 2x, डेल x है 0.1 और x की भी वैल्यू उसने हमें दे रखी है, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, 2 इंटू में 10 इंटू में 0.1, ये 1 बन गया 2, डेल y इज इक्वल टू 2। तो डेल y की वैल्यू क्या आई है इस क्वेश्चन के लिए, वो आ गई है आपकी 2। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 टेन क्यूब एक्स dx, ये इक्वेशन दे रखी है, माइनस ए टू ए लिमिट दे रखी है। तो हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वेदर द फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो फंक्शन क्या दे रखा है हमें, टेन क्यूब एक्स, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं टेन एक्स का क्यूब। एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए इसमें, यहां हो जाएगा टेन माइनस एक्स का क्यूब। हम जानते हैं कि टेन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टेन थीटा आपका। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स का क्यूब एफ माइनस एक्स, माइनस वन की पावर ऑड नंबर माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन गया टेन क्यूब एक्स। टेन क्यूब एक्स किसके बराबर है, फंक्शन के, माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आया है माइनस एफ एक्स के, तो मतलब एफ एक्स इज ऑड। तो एफ एक्स क्या है आपका, ऑड है। और यदि आपके पास ऐसा केस बन जाए कि जो लिमिट है वो माइनस ए टू ए हो और एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है आपकी, बिकॉज इफ एफ एक्स इज ऑड। तो हमारा एफ एक्स ऑड आया है, तो माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर टेन क्यूब एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एफ एक्स टेन क्यूब एक्स है वो आपका एक ऑड फंक्शन है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, दो कार्ड्स को निकाला जाता है आपका विद रिप्लेसमेंट, पहला निकाल लिया उसको वापस डाल के फिर दूसरा कार्ड निकाला जाता है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर एसेस, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों कार्ड्स हमें क्या मिले आपके, एसेस मतलब इक्के मिले आपके। तो यहां पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, एक इक्का मिले हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं हम। पहले ध्यान से देखिए, टोटल इतने होते हैं आपके पास चार इक्के, चार एस होते हैं आपके पास और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो एक एस आने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एसेस, हमें दोनों एसेस मिले आपके, मतलब पहला कार्ड भी एक एस मिले और दूसरा कार्ड भी एक एस मिले, फर्स्ट कार्ड भी एस दूसरा कार्ड भी एस। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ए, देन इसके बाद पी ए की वैल्यू है 1/13, 1/13 ये हो जाएगा 1/1/169। तो दोनों कार्ड्स पर आपको एस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/169 मिलेगी आपको। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन है आपका 1 MCQs में, एंड एकदम एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी ए आपको 0.3 दे रखा है, पी बी 0.6 दे रखा है,
एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए एंड बी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, ये केस होता है। ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो ये टर्म आपकी यूज होगी उसके अंदर। देन इसके बाद वो हमसे कह रहा है पी ए एंड बी की वैल्यू निकालिए। अब एंड क्या है ये? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, नोट कर लें इसको भी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। अगर प्रोबेबिलिटी में कहीं ये यूज होते हैं तो एंड हमेशा इंटरसेक्शन और का मतलब होता है आपका यूनियन, यहां एंड है मतलब इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी। वो बराबर है पी ए इंटू पी बी के, पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.6, ये आ गया 0.18 आपका। तो यहां पर पी ए एंड बी की वैल्यू क्या मिली है आपको, वो मिली है 0.18 आपके। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, लेट एफ आर टू आर आपको एक फंक्शन दे रखा है गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3, शो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो पहले देखिए यहां पर एफ आर टू आर एक फंक्शन है और फंक्शन दे क्या रखा है 4x + 3। पहले हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो आपका क्या है, वो इनवर्टिबल है, एंड देन उसके बाद हमें इनवर्स निकालना है। तो कोई भी जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल कब होता है आपका, वो इन्वर्टिबल तब होता है जब वो 1-1 और ऑन टू हो। मतलब मुझे पहले इसे 1-1 और ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और यदि ये 1-1 और ऑन टू दोनों होता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है आपका। तो अब देखिए यहां पर लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, ये डोमेन के एलिमेंट हैं आपके। तो यहां पर देखिए x1 इज इक्वल टू x2, हमने मान लिया कि जो x1 है वो x2 के बराबर है आपका, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें वो बन जाएगा 4x1 4x2, दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू है fx1 की, यहां से आप fx1 निकालेंगे तो ये मिलेगा, ये वैल्यू है fx2 की। x1 x2 के बराबर था, fx1 fx2 के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि f इज 1-1, सो f इज 1-1, तो f क्या हो गया आपका 1-1 हो गया। ये देखिए जरा होता कैसे है, थोड़ा सा हम यहां से समझते हैं, ये x1 ये x2, x1 को रखेंगे तो वैल्यू मिलती है fx1, x2 को रखते हैं तो वैल्यू मिलती है fx2। अब देखिए x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2 है आपकी। अब यहां पर देखिए बट 1-1 की डेफिनेशन होती है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको मिलनी चाहिए, मतलब अलग इमेज होनी चाहिए। मैंने बोल दिया कि x1 और x2 बराबर हैं, ये fx1 ये fx2, ये इससे और इससे मैप कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाएं? ये तो फंक्शन की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर x1 x2 के बराबर है तो fx1 को भी fx2 के बराबर होना पड़ेगा, और यदि ऐसा होता है कि दोनों बराबर हो जाते हैं आपके, तो मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। तो हम कह सकते हैं कि x1 x2 के बराबर है और fx1 भी fx2 के बराबर हो जाए तो फंक्शन इज 1-1 होता है आपका। तो यहां पर हमने यही कर दिया कि x1 x2 के बराबर था, fx1 fx2 के बराबर आया, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं हम लेके चलें fx1 इज इक्वल टू fx2 और हम ले आए x1 इज इक्वल टू x2, तो भी हम कह सकते हैं आपका कि फंक्शन क्या है आपका 1-1 है। देन इसके बाद लेट fx इज इक्वल टू y, fx है आपका 4x + 3 इज इक्वल टू y, 3 को इधर ले जाएंगे 4x इज इक्वल टू y - 3 एंड x इज इक्वल टू y - 3/4। अब देखिए यहां के हर एक y के लिए, हम मान लेते हैं यहां x है यहां y है, हर एक y के लिए x इज इक्वल टू y - 3/4 टाइप की क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की, यहां पर जो एलिमेंट है उसकी एक प्री इमेज भी है, तो फंक्शन ऑन टू भी है आपका। देखिए हम लिखेंगे फॉर एवरी y belongs to R, codomain के हर एक y के लिए there exists a pre-image
x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4 बिलोंग्स टू आर डोमेन. सो f इज ऑन टू सच दैट fx इज इक्वल टू 4 इंटू y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3. यहां इससे कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y. तो fx किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया. दैट मीन्स हम कह सकते हैं सो f इज ऑन टू. तो f क्या है आपका, ऑन टू है. फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कह सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल. सो f इज इन्वर्टिबल. तो f क्या है आपका, इन्वर्टिबल है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है. टू फाइंड f इनवर्स, f इनवर्स निकालते हैं अब हम. तो यहां पर देखिए जो एफ एक्स है उसको y के बराबर ले लेंगे, ये ऑन टू के जैसा ही रहता है कुछ कुछ. तो 4x plus 3 is equal to y. यहां से यदि आप x निकालें तो x किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स y के बराबर आ जाएगा. 3 को इधर ले जाएं, x किसके बराबर आ गया, y माइनस 3 बाई 4. तो जरा देखिए x किसके बराबर है, f इनवर्स y के. तो f इनवर्स y क्या आ गया आपका, y माइनस 3 बाई 4. यदि हम यहां पर f इनवर्स x निकालना चाहें तो केवल वेरिएबल को चेंज करें, x माइनस 3 बाई 4 ये क्या हो जाएगा आपका, f इनवर्स x हो जाएगा. तो आपने देखा कि f इनवर्स x आपको किस तरीके से निकालना है. पहले आपको फंक्शन को 1-1 प्रूव करना है, फिर ऑन टू प्रूव करना है, देन आप कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर आप इस तरीके से उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर देंगे. देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दे रखा है वो देखिए. टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स. तो जरा देखिए हम इसमें LHS को ले लेते हैं. अब LHS के अंदर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मैं cos x से डिवाइड कर लूं तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, नीचे cos x प्लस साइन x अपॉन cos x. ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, वापस यही टर्म बन जाएगी. अब इस cos x को दोनों के अपॉन में लिखें तो यहां बन जाएगा tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x. यहां पे बन जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x. cos x से cos x तो कैंसिल हो गया, यहां आया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. अब देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. ये फॉर्मूला होता है आपका tan पाई बाई 4 माइनस x का. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x. tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा पाई बाई 4 माइनस x, और वही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया केवल एक स्टेप करके. न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करते ही आपका फॉर्मूला बना, फॉर्मूले की वैल्यू रखी और उसको कैंसिल करते ही हमें राइट हैंड साइड आपकी यहां पर मिल गई है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. ये आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसमें y को तो अलग किया नहीं जा सकता आपका यहां पर, तो हम इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे और देन dy by dx को यहां से रिमूव कर लेंगे. तो देखिए इसको नाम दें फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पे हो जाएगा 2x, x का 1 प्लस 3 और y का हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू साइन y का होता है cos y और y का हो गया dy by dx. अब जो इसमें dy by dx वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लें, 2 इज इक्वल टू cos y dy by dx माइनस 3 dy by dx. दोनों में से dy by dx कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा cos y, यहां पर 3
इज इक्वल टू मैं टू, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन कॉस वाई माइनस थ्री। तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास, टू अपॉन कॉस वाई माइनस थ्री। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस टी देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर एक पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है, यहां पर x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस टू टी, ये दे रखी है, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें। अब इनको हम दोनों, जो ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, इसको दो नाम थर्ड। यहां पर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टू टी का होता है आपका कॉस टी का, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का हो गया टू। अब देखिए यहां पर आप साइन टू ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी, तो ये वैल्यू बराबर हो गई माइनस फोर साइन टी कॉस टी। क्यों आप यहां पर लिख देंगे, बिकॉज साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है, इसको नाम दो फोर। डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आ गया डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस फोर साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस फोर साइन टी के। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहां पर माइनस फोर साइन टी आ गई है इसके अंदर। तो इस तरीके की जब भी आपके पास कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन आए, वो थीटा में दे रखी हो तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, जेड में दे रखी हो तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, एंड देन उन दोनों को डिवाइड करके आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 28, ऐसे दो नंबर्स निकालिए जिनका सम 24 हो एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्रूव करना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर मान लिया इज एक्स, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोनों का सम क्या है 24, उनमें से एक है x, तो 24 में से x को घटाने पर दूसरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो दूसरा नंबर क्या हो गया 24 माइनस x। लेट p डिनोट्स द प्रोडक्ट, p किसको डिनोट करता है, प्रोडक्ट को डिनोट करता है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी x इंटू 24 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो यहां पर ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे एंड इसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। तो यहां पर dp ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो गया 24 माइनस 2x, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 24 माइनस 2x इज 0, 2x इज 24 एंड x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू तो मिल गई। अब इस p को मैक्सिमम प्रूव करते ही हमें नंबर मिल जाएंगे, तो इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको p डैश नाम दे दें या ऐसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 का 0 यहां पर आ गया माइनस 2x माइनस 2। अब इसकी एट एक्स इज इक्वल टू 12 पर वैल्यू निकाल लीजिए, भाई ये तो कांस्टेंट नंबर है, माइनस टू ही रहेगा, विच मींस लेस देन जीरो, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। सो पी इज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 12।
तो जब x इज इक्वल टू 12 रहेगा तो इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। तो यहां पर आप फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 12 एंड सेकंड नंबर क्या हो गया वो भी 24 माइनस 12 इज 12। तो जरा क्वेश्चन को एक बार और समझिए कि भाई देखो 24 है आपके पास, 24 के आप डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बना सकते हो, 21 इंटू 3 दोनों का सम 24 होगा, इनका प्रोडक्ट मिलेगा 1 इंटू 23, ये भी एक 24 का पेयर बनेगा। बट जब पेयर 12 इंटू 12 बनेगा तो जो इनका प्रोडक्ट है वो बाकी सभी प्रोडक्ट से क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट किया है कि जब दोनों फंक्शंस 12 इंटू 12 होंगे तो दोनों का जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा मैक्सिमम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब एक बलून है आपका और जब उसको फुलाया जाता है तो वो उसमें हवा पंप की जाती है तो वो हमेशा स्पेरिकल रहता है, उसकी जो शेप है वो क्या बनेगी, स्पेरिकल बनेगी। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब क्या है आपका कि वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, जब आप उसके अंदर हवा भर रहे हैं तो भाई बलून बढ़ रहा है, मतलब बलून की रेडियस बढ़ रही है, और जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस ऐसा टाइम आएगा कि फूलते फूलते जो रेडियस है वो क्या बन जाएगी, 15 सेंटीमीटर बन जाएगी, उस इंस्टेंट पर बताइए आप कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो क्या रहेगा। तो जरा देखिए, हम इसमें मान लेते हैं लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ बलून एंड आर इज रेडियस, और आर क्या है आपकी रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या हो जाएगी 4/3 πr³। यहां पर हम निकाल लेते हैं dv/dt, तो यहां पे आ जाएगा 4/3 π(3r², और r का हो गया dr/dt। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा dv/dt इज इक्वल टू में 4πr²(dr/dt। अब dr/dt किसके बराबर है आपका, वो आ गया है dv/dt 1/4πr²(dv/dt, और dv/dt की वैल्यू आपको दे रखी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा था। इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए dr/dt 900 4 × π, और r आपको दे रखा था 15, तो वो हो जाएगा 15 × 15, कैंसिल करो तो dr/dt क्या आया है आपका, वो आया है 1/π cm/s। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या रहेगा उस बलून के लिए, वो रहेगा 1/π cm/s। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 − x²dx। यहां पर आप साइन इनवर्स को टी पुट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 − x²dx = dt। इस पूरी टर्म की जगह आप dt रख सकते हैं, तो यहां आ गया t × dt। टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t²/2 + c। अब t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, वो रख दीजिए यहां पर साइन इनवर्स x²/2 + c। तो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, साइन इनवर्स x²/2 + c। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 लेट i = 1/1 − sin x dx। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस काम कर लेते हैं रेशनलाइजेशन डेनोमिनेटर का। यहां पर 1/1 − sin x, इसको लिख सकते हैं 1 + sin x / 1 + sin x dx। ऊपर वाली टर्म तो सेम आ जाएगी,
नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर एक्स, तो यहां पे आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, दोनों के अपॉन में लिखो वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सेक्स स्क्वेयर एक्स बन गया, ये बन गया टेन एक्स, ये बन गया सेक एक्स डी एक्स। अब सेक्स स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन आया टेन एक्स प्लस इसका होता है आपका sec x प्लस c, तो i की वैल्यू क्या आई है आपकी tan x प्लस sec x प्लस c आई है इस क्वेश्चन 24 के लिए आपकी।